हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लॉटरी में जीते 1140 करोड़ रुपए, लेकिन आधे पैसे लोगों को खुश करने में ही बांट दिए। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। जान के आपको काफी ज्यादा खुशी भी होगी और काफी ज्यादा हैरानी भी होगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपको इतनी ज्यादा बड़ी लॉटरी भी लग सकती है और आपकी किस्मत ऐसे खुल सकती है। और अगर आपकी किस्मत खुले और इतनी बड़ी लॉटरी लगे तो आप कभी भी वो पैसा किसी और को देने के लिए सोचते नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खुल गई है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर ऐसे काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने साथ साथ दूसरे की भी खुशी को देखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी अपडेट। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो एक्चुअली में पूरा मामला हमारे सामने एक दंपत्ति को लेके आया है, जिस लड़की को ये लॉटरी लगी है उनका नाम है करोली। करोली को एक्चुअली में 1140 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ी अमाउंट है। उस दौरान उन्होंने सोचा कि इतना सारा पैसा है, क्या किया जाए। काफी सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने 115 मिलियन एक्चुअली में जो थे यूरो थे, वो लॉटरी के जीतने के बाद एक्चुअली में भारतीय रुपए के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 1140 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया उस वक्त, अपने परिवार के सदस्यों के 50 परिवार के सदस्यों के और 50 और दोस्तों की लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद ये सिलसिला वहां पर खत्म नहीं हुआ, उनको एक्चुअली में पैसे उन्होंने बांटे। फिर उसके बाद उनका खुशी का और भी ज्यादा बढ़ने लगी, इसीलिए 175 लोगों की और लिस्ट बनी, उन्होंने वहां पर भी दिया। इस दौरान उन्होंने पैसे इतने ज्यादा बांटे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने 600 करोड़ रुपया बांट दिया। ये सिलसिला यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। इस दंपत्ति ने 1000 लोगों के लिए एक्चुअली में तोहफे भी खरीदे हैं, जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत ही कीमती सारे सामान है। और उनका कहना यह है कि आने वाले क्रिसमस पे वो हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहां पर जो भर्ती हुए हुए हैं उनको वो गिफ्ट देंगे। और वो जो लोग जो एक्चुअली में अपने घरों से बाहर है, दूर है, जिनके पास लैपटॉप लेने के लिए पैसे नहीं है, वो स्टडी वगैरह कर सकते हैं, उनको एक्चुअली में लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जाएगा। तो इसीलिए जहां पर करोली से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि मुझे गोल्ड खरीदने का बहुत ज्यादा शौक था, पर जैसे ही मुझे ये पैसे मिले तब वो शौक कहीं और चला गया। मुझे लोगों की फेस पे खुशी देखना ज्यादा अहमियत देने लग गया, तो मैं जितना भी हो पाएगा मैं लोगों की मदद जरूर करूंगी। तो गाइस, अभी करोली जो है वो मदद कर रही है। लॉटरी तो उनको लगी, उसी के साथ साथ बोला जाए तो पूरी दुनिया की लॉटरी लग गई है। आई होप गाइस आपको जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।